हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका एक और न्यू व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ नागौर फोर्ट। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको और आपको दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा कुछ एंट्रेंस है और ये है बीचरी पोल, ऐसा कुछ नाम लिखा है इस पर। ये देखे, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा खंडर भी हो रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त है गाइस। अभी हम अंदर भी जाएंगे और मैं अंदर जाऊँगा तब आपको और दिखाता हूँ। ये कुछ पत्थर वगैरह है देखो गाइस। आज मेरे साथ आए मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है मेरा फ्रेंड कार्तिक, जल्दी आ रहे। हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो एक्सप्लोर करते हैं आज नागौर की फोर्ट को। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। अब ये छोटा सा फाउंटेन होगा, फाउंटेन ये देखो गाइस, ये सामने से दिखाता हूँ, रुको मैं आपको एक सेकेंड। ये देखो आप गाइस, ये है हितेश, हाय। ये कार्तिक का भाई और ये भाई, ये राजपाल, ये इन दोनों का फ्रेंड है। ये पीछे देखो बंदर नाच रहा है। तो गाइस जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो है बख्त सिंह पैलेस। ये एक और मैं आपको वापस दिखाता हूँ, कुछ ऐसा व्यू है इस पैलेस का। कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस इस फोर्ट के बारे में पूरा जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मैंने इस फोर्ट के बारे में स्टडी की है तो ये काफ़ी काफ़ी पुराना फोर्ट है। गाइस जब मैंने इस फोर्ट के बारे में थोड़ी स्टडी की थी तब मेरे को पता चला था कि ये फोर्ट बना है 4th शताब्दी में और इस फोर्ट को बनवाया था नागवंशियों ने। यहाँ पे एक ये तालाब बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा कुछ तालाब है और ये है, इसको बोलते हैं बादरी। और इसमें इसकी ये खासियत है कि इसमें 36 पिलर्स हैं और ये किसी साइड से देखो ये एकदम आपको स्ट्रेट दिखेंगे, सीधे एकदम। ठीक है, टाइम में इसका यूज़ किया जाता है अगर जैसे यहाँ पे कोई टूरिस्टर्स या कुछ वेडिंग वगैरह होती है, रॉयल वेडिंग, तो उसमें इसको डाइनिंग के तरह यूज़ किया जाता है। गाइस ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ये जो फोर्ट है ये 4th शताब्दी का बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने इस फोर्ट पे शासन किया है, तो सभी राजाओं ने अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको अलग अलग इसका स्ट्रक्चर बनवाया था। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं ये है शीश महल। यहाँ पे जो राजाओं के गेस्ट वगैरह थे वो रुका करते थे। और गाइस ये अंदर से अभी इसको पैक कर रखा है, इसमें अंदर जो वॉल पे ये देखो सिल्वर की कोटिंग की हुई है हल्की हल्की। इस शीश महल के बाहर ये आप देख सकते हैं इतनी अच्छी ग्रीनरी कर रखी है इन लोगों ने, दो गार्डन बने हुए हैं। ये है गाइस शीश महल, इसको हम कह सकते हैं गेस्ट हाउस, राजा महाराजों का एक तरह का गेस्ट हाउस ही था ये। तो गाइस अब हम एंटर करने जा रहे हैं दीपक महल, और यहाँ पे पुराने राजा महाराजों के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे वो सभी यहीं होते थे। जैसा कि गार्ड ने मेरे को बताया कि यहाँ जो राजा महाराजों के जो नृत्य प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्राम्स होते थे वो यहीं होते थे। गाइस आप ये छोटे छोटे हॉल्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हॉल्स हैं और इनमें लगाए जाते थे दीपक, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट्स होती नहीं थी तो इन हॉल्स में दीपक लगा के यहाँ रोशनी की जाती थी। और ऐसे हॉल्स यहाँ बहुत सारे हैं।
ये देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, इसलिए इसको दीपक महल भी बोलते हैं। ये देखिए गाइस सब जगह ऐसे दीपक के लिए होल्स लगा रखे हैं। गाइस ये है हमाम, यहाँ पे अंदर से कुछ अच्छा है। यहाँ वॉइस इको हो रही होगी। हमाम का मतलब इन गार्ड ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनको उनके नहाने के लिए ये जगह थी। इतने बड़े बड़े वॉशरूम गाइस। बेसिकली हम इसको वॉशरूम भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर में कुछ आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ भी गो भाई, यहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, कितना सही बना रखा है इन लोगों ने। गाइस पुराने ज़माने में लोग वाटर सेविंग को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए इन लोगों ने देखो यहाँ कितने सारे पॉन्ड बना रखे हैं। यहाँ पर भी पानी इकट्ठा करने के लिए बना रखा है ये तालाब। और 1971 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में इंडियंस जो सोल्जर थे उनको रुकने के लिए यहाँ के राजा ने ये फोर्ट दे दिया था। गाइस इसमें मैंने काफ़ी सारे सिनेमेटिक शॉट्स भी लिए हैं, तो प्लीज़ आप सारे शॉट्स देखें और मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। गाइस अभी अंदर जो मैंने आपको पैलेस दिखाया है वो था अभा भवन, और यहाँ पे राजा महाराजों की जो मीटिंग्स वगैरह थी वो होती थी। अंदर काफ़ी शोर है, काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं, काफ़ी लोग आ रखे हैं, तो मैं अंदर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया था। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये कुछ पिलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये बने हुए, इनका भी सिनेमैट में डाल रहा हूँ और आप देखना। ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लुक है इसका और बहुत पुराना भी है ये। गाइस इस फोर्ट में दिखाने लायक इतना ही कुछ था जो मैंने सारा आपको दिखा दिया है, और गाइस जो भी सिनेमैट में डाल रहा हूँ तो ज़रूर देखें आप और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और नागौर फोर्ट आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।